अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ माजरूम लाइव बॉय एंड यू आर वाचिंग लाइव बॉय यूट्यूब चैनल। तो यार, सबसे पहले तो मैं आप सबसे माजरत करना चाहता हूँ कि मेरी जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है। अराउंड अबाउट 2 या 3 मंथ्स हो चुके हैं कि मैंने अपनी वीडियो अपलोड नहीं की। यार, उसकी जो वजह थी, मेन वजह तो ये थी कि पीसी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, मसला आ रहा था मेरा पीसी। और जो दूसरी वजह थी यार कि मैंने जो गेम थी वो बाय कर ली थी, लेकिन वो उसमें जो था मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो वर्जन था गेम का वो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका था, इसलिए मेरा जो कोई मोड है वो इंस्टॉल नहीं हो रहा। जब भी कोई मोड इंस्टॉल करता था तो वो एरर दे देता था, तो मेरी गेम इसलिए काफ़ी क्रैश हुई। मैंने वीडियो बनाने की बहुत कोशिश की लेकिन यार नहीं बन सकी, इसलिए भाई को माफ़ कर दो यार, भाई भाई हूँ मैं भी, माफ़ कर दो आपका। तो लेकिन इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब बिल्कुल टाइम टू टाइम मेरी वीडियोस आती रहेंगी। और आप लोग भी भाई मुझे यार कमेंट करके बताया करो कि आपको नेक्स्ट जो मोड है वो किस वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो वो किस मोड पर चाहिए, तो मैं उस हिसाब से आपके लिए वीडियो बनाया करूँ। तो मुझे एक भाई ने कहा था कि ये कैसे करते हैं इसमें विली मोड, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है भाई के लिए। तो एक दो और हैं, वो भी मैं वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाने की कोशिश करूँगा। तो अभी फ़िलहाल तो भाई आज आज के लिए एक ही वीडियो है, तो इंशाल्लाह कल या परसों तक मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा। तो एक भाई ने मुझे पूछा था कि यार कैसे आप अपनी जो गेम वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, तो भाई मैं करता हूँ यार, कैम स्टूडियो है, इस जो ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, इसी सॉफ्टवेयर से मैं जो है अपना वो करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ। तो अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो मैं इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है ये सॉफ्टवेयर है, तो मैं इसको जो अपनी जितनी भी अपनी वीडियोस बनाई हैं इसी सॉफ्टवेयर से बनाई हैं। तो एक बार यार दोबारा मैं जो है अपनी माफ़ी की तरफ आता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ सबसे कि मेरी जो वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, तो इसलिए भाई को माफ़ कर दें यार। तो इस आपको दिखाता हूँ कि आज की वीडियो जो है वो किस बारे में है, कौन से टॉपिक पर है। तो आपको चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। तो टाइटल देख के जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो है विली हैंडलिंग मोड। तो हम बेसिकली अपनी गेम GTA 5 में जो है वो रियल लाइफ जैसी व्हीलिंग कर सकते हैं अपनी बाइक से। ये सेंचिस बाइक है और बैटरी इसमें काफ़ी ज़्यादा और भी ऑप्शन है, वो आपको आगे मैं दिखाता हूँ। तो इस मोड को इंस्टॉल करने के लिए आपको दो चाहिए होंगी चीज़ें। सबसे पहले तो ये मोड है व्हीली हैंडलिंग मोड, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ है वो है ओपन IV, तो इसका भी लिंक अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये देख सकते हैं OpenIV। तो अगर आपको नहीं पता कि OpenIV कैसे इंस्टॉल करते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है पूरी एक, तो उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अपने वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर लेना है और देख लें कि वीडियो इंस्टॉल कैसे करनी है। तो फिर देखते हैं इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो मैंने इन दोनों मोड्स को पहले ही कर चुका हूँ डाउनलोड, तो उस फोल्डर को मैं खोलता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं ये OpenIV का सेटअप है और ये विली बोर्ड है, तो आपने ये OpenIV इंस्टॉल कर लेनी है। तो वीडियो आप देख लें, अगर आपको नहीं पता कैसे इसको इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो कर लेते हैं अपनी OpenIV। यहाँ पर देख सकते हैं विंडोज़, विंडो पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर आ चुके हैं हम अपनी OpenIV में। तो यहाँ पर जो सबसे पहले तो काम क्या करना है, अपने एडिट मोड को एनेबल कर लेना है, तो यस कर लें। और यहाँ पर जो दूसरा काम करना है, अगर आपने न्यू इसको डाउनलोड किया है, इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पर टूल्स में जाना है और यहाँ पर हमने करना है कि ASI मैनेजर, यहाँ पर इसको क्लिक कर लेना है। तो जैसे यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी, ऐसे कुछ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मेरे अनइंस्टॉल है, तो आपने यहाँ पर इंस्टॉल पे आपके आना है, तो आपने इस पर कर लेना क्लिक, तो इंस्टॉल हो जाएगा ये। और यहाँ पर इसको आपने कर लेना है क्लोज़, दोनों तीनों फाइल्स को अपने इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे OpenIV को ओपन करेंगे और सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे मोड्स में और यहाँ पर अपडेट में, अगर मोड्स फोल्डर नहीं है तो मोड्स फोल्डर बना के, तो आपको दिखा देता हूँ मैं, अगर मोड्स फोल्डर नहीं है आपके पास तो यहाँ पर मोड्स फोल्डर अपनी GTA 5 में बना कर, तो ये जो अपडेट वाला ये वाला फोल्डर है इसको अपने यहाँ पर अपने मोड्स फोल्डर में कर लेना कॉपी। तो मोड्स फोल्डर में ओपन कर लेंगे, यहाँ पर जाएंगे अपडेट में और यहाँ पर अपडेट डॉट RPF, कॉमन में जाएंगे, डाटा में जाएंगे, सॉरी डाटा, तो यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आ गया हैंडलिंग डॉट मेटा, तो आपको इसी फाइल की ज़रूरत है, तो अभी आपने इसको कर लेना मिनिमाइज़ यहाँ से।
और इसको ओपन कर लें, जो आपने वो मोड है ये विली मोड है, इसको ओपन कर लें। तो आपने यहाँ पर जाना है अपने यहाँ पर विली मोड में और इसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सैंचीज एंड बैटी, तो इसमें दोनों ये दो बाइक्स हैं, इन दोनों को अपने यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है। इस फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक रीडमी डॉट टी एक्स टी मिलेगी फाइल और एक हैंडलिंग डॉट मेटा मिलेगा। तो रीडमी जो टी एक्स टी, इसको भी आप ओपन कर देख सकते हैं कि इसमें क्या करना है, वैसे आपको बता ही रहा हूँ मैं। तो आपने यहाँ पर जो हैंडलिंग डॉट मेटा है इसको आपने करना है कॉपी, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि उसको डायरेक्ट ही कॉपी पेस्ट कर लें आप। तो यहाँ पर एडिट मोड इसलिए आपको एनेबल कराया, अगर आप इसको एनेबल नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये जो है वो कॉपी नहीं होगा। तो आपने जो है ये वाला हैंडलिंग डॉट मेटा, इसको आपने यहाँ पर कर लेना है ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर आप चाहें तो ये पिछले वाले हैंडलिंग डॉट मेटा का एक बैकअप भी बना सकते हैं, यानी कि इसको इसकी कॉपी बनाकर एक अपने डेस्कटॉप पर रख लें या जहाँ पर मर्जी रख लें। तो मैं नहीं बनाऊँगा और ये इसको डायरेक्ट मैं यहाँ पर कर लूँगा। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि हो चुका है, यहाँ पर ये कॉपी पेस्ट हो चुका है। इसको बंद करते हैं और इसको भी बंद कर लेते हैं और इसको मैं बंद कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा मोड हो चुका है ये इंस्टॉल। तो अभी हमने अपनी गेम ओपन करनी है, तो फिर हम मिलता हूँ कि गेम के अंदर। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी गेम ओपन कर ली हुई है। तो अभी हम सबसे पहले तो मैं पर थोड़ा सा टाइम चेंज कर लूँ, तो ये जो हो गया है दोपहर हो चुकी है। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि व्हीलिंग कैसी बहुत अच्छी होती है व्हीलिंग। तो अगर आपके पास ये सिंपल ट्रेनर है तो ज़्यादा अच्छी बात है, यहाँ से आप ज़्यादा कर सकते हैं जल्दी, कोई भी कार जो या मोटरसाइकिल वगैरह आप यहाँ पर कर सकते हैं, ला सकते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर मैं ले कहता हूँ इसको बाइक को, चलें ये वाली बाइक ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पाकिस्तान का फ्लैग भी प्रिंट किया हुआ है उस बाइक पर। तो अगर आपको जानना है कि ये कैसे इसके ऊपर प्रिंट किया, तो आप मेरी वाली वीडियो देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी वीडियो काफ़ी अच्छी है। तो आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं कि इसके ऊपर कैसे आपने फ्लैग प्रिंट करना है। तो यहाँ पर आप दिखाता हूँ अभी आपको व्हीलिंग के व्हीलिंग कितनी अच्छी यहाँ पर होती है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, आपको एक पूरा मैं रोड पे लेके जाता हूँ, फिर दिखाता हूँ वहाँ पर आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ पर थोड़ी सी कट वगैरह है, तो इसलिए ज़रा प्रॉब्लम हो रही है। आपको सही तरह पे दिखाता हूँ, सही जगह पे दिखाता हूँ, चलिए यहाँ पर ही देख सकते हैं आप। तो यार ये जैसे देख सकते हैं कि बिल्कुल प्रोफेशनल एक व्हील हो रही है यहाँ पर। तो अगर आप इसको ये मोड़ के बेकार करके देखेंगे तो आप यहाँ पर कई दफ़ा गिरेंगे भी, लेकिन इससे चांसेस कम है गिरने के। फिलहाल तो मैंने वो लगाया हुआ ट्रेनर जो था सिंपल ट्रेनर में था कि गिरेगा नहीं यहाँ पर बाइक से, इसलिए नहीं गिर रहा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से व्हील कर रहा है ये। इस तरह आप भी अपने जो है वो कर सकते हैं गेम में व्हील, तो बिल्कुल ये इसी तरह प्रोफेशनल की तरह बिल्कुल कर सकते हैं अपनी गेम में व्हीलिंग। तो ये था मोड, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।